हेलो गाइज, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गाइड अड्डा में। आज हम दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लॉन्च किया गया एम आधार एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे कि ये हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, ये हमारे लिए कितना जो है महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन में जो है आप आधार कार्ड को बहुत ही आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप कहीं भी इसको जो है कैरी भी कर सकते हैं, कहीं ले जा सकते हैं। आप अपने मोबाइल में आधार कार्ड को बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन की खासियत ये है कि आप आधार को जो है किसी दूसरे की आधार को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से जो है आप पेपर लेस ऑफलाइन EKYC करा सकते हैं। इस एप्लीकेशन में जो है अपने मोबाइल को और ईमेल को वेरीफाई भी कर सकते हैं। इस एम आधार एप्लीकेशन में जो है आप अपने जो है स्टेटस को चेक कर सकते हैं और यहाँ से अपॉइंटमेंट भी आप बुक कर सकते हैं। जैसे आधार कार्ड को अगर मान लीजिए नेम सुधरवाना हो, डेट ऑफ बर्थ सुधरवाना हो, तो आप जो है यहाँ से अपॉइंटमेंट जो है आप बुक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि इसमें आप जो है आधार कार्ड को कैसे आप बड़ी ही आसानी से डाउनलोड कैसे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि एम आधार की मदद से जो है काफ़ी आसानी से जो आप अपने आधार कार्ड को काफ़ी आसानी से जो है इसमें डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से एम आधार एप्लीकेशंस को डाउनलोड करेंगे। एम आधार एप्लीकेशंस को डाउनलोड करने के बाद ओपन बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ओपन बटन पर क्लिक करने के बाद आपका एम आधार एप्लीकेशन जो है ओपन होगा। इसके बाद इसको जो है अलाउ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोबारा अलाउ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर अलाउ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ से जो है आपका डैशबोर्ड सर्विसेज शुरू होता है कि आपके जो एप्लीकेशन है इसमें क्या क्या होता है। यहाँ से जो है एनरोलमेंट सेंटर जो है आप अपने आधार कार्ड को जो है लॉक कर सकते हैं बायोमेट्रिक से, बाकी जो है क्रिएट पिन से भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आपका आधार कार्ड का स्टेटस कर जान सकते हैं, अपने आधार कार्ड में एड्रेस को अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए इसको स्किप करके जो है इसके बाद यहाँ से जो है आप यहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ है कि अपडेट योर आधार प्रोफाइल को जो है अपडेट कर सकते हैं, नोटिफिकेशन रिपोर्ट को आप देख सकते हैं, अपने वर्चुअल आईडी को यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, अपने आधार कार्ड को लॉक कर सकते हैं, आप अपने जो स्टेटस रिक्वेस्ट है उसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम जो है इसके बाद जो है आप EKYC भी यहाँ से करा सकते हैं काफ़ी आसानी से। तो आई कंसेंट पर जो हम क्लिक करेंगे। आई कंसेंट पे क्लिक करने के बाद आप यहां से लैंग्वेज चूज़ कर लेंगे। आप जो है जो भी इसमें से लैंग्वेज आपको जो चाहिए वो चूज़ कर सकते हैं। चलिए हम इंग्लिश पे क्लिक करके जो है डन बटन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद कंटिन्यू करने के बाद आप अपने आधार कार्ड से जो नंबर लिंक हो वो यहाँ पर इंटर करेंगे। चलिए हम इंटर कर देते हैं। तो इंटर करने के बाद आपके नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद आपके नंबर पर एक OTP जाएगा, उस OTP को जो है यहाँ पर हम डालेंगे। डालने के बाद आपके नंबर पे जो भी OTP जाएगा उसको यहाँ पे हम इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आपका जो एम आधार एप्लीकेशन है वो इस तरह से ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप जो है इस पे रजिस्टर माई आधार पे क्लिक करेंगे। इसके बाद क्रिएट 4-डिजिट पिन पासवर्ड या कोई भी जो आप क्रिएट कर सकते हैं, आप जो याद रखें उसको आप यहां पे इंटर कर लेंगे। इंटर करने के बाद आप जो है 12-डिजिट का आधार नंबर यहां पे इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आपके नंबर पे फिर से दोबारा एक OTP जाएगा, उस OTP को जो है यहां पे फिर से आपको इंटर करना पड़ेगा वेरीफाई करने के लिए। तो इसके बाद वेरीफाई करेंगे यहाँ से OTP डालने के बाद यहाँ से वेरीफाई होगा। आपके नंबर रजिस्टर नंबर पर एक OTP जो है UIDAI की तरफ से जो है भेजा जाएगा, उसको यहाँ पे डालने के बाद आप जो है उसको वेरीफाई पे बटन पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए हम OTP को जो है इंटर कर देते हैं। OTP बटन पे क्लिक करने के बाद OTP डालने के बाद आप वेरीफाई बटन पे क्लिक करेंगे। तो वेरीफाई बटन पे क्लिक करने के बाद आपका आधार कार्ड जो है इस एम आधार एप्लीकेशन में जो है काफ़ी जो है आसानी से जो है शो होगा। आप वहां से देख सकते हैं, आप वहां से जो है काफ़ी आसानी से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो वेरीफाई करने के बाद आपका आधार कार्ड जो है इस तरह से जो है शो होता है। तो काफ़ी आसानी से जो है इस एप्लीकेशन की मदद से जो है अपने आधार कार्ड को काफ़ी आसानी से जो है इसमें डाउनलोड करके आप रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो दूसरे का आधार कार्ड भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आप सर्विस बटन पर क्लिक करेंगे। सर्विस बटन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से जो है
डाउनलोड आधार पे जो है, डाउनलोड आधार पे जाएंगे तो यहाँ से आप जो है किसी दूसरे का जो है आधार कार्ड आप जो है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ से आप अपने आधार कार्ड में लॉक भी लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ से जो है लॉक कर सकते हैं अपने आधार कार्ड में भाई पिन के द्वारा लॉक कर सकते हैं, या आप जो है बायोमेट्रिक उसको लॉक कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस एप्लीकेशन की मदद से जो है अपॉइंटमेंट जो है बुक कर सकते हैं। आप अपने जो है जो भी स्टेटस जो होता है उसको आप चेक कर सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन जो है अपने मोबाइल को ईमेल को वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो आप जो है इस एप्लीकेशन से जो है आप काफ़ी आसानी से जो है आप अपने आधार कार्ड को जो है काफ़ी आसानी से जो है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आपके एरिया में कहाँ पे जो है आधार इनरोलमेंट सेंटर है, कहाँ पे आधार बनता है, उसको आपको देखने के लिए यहाँ पे इनरोलमेंट सेंटर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो है आपको शो हो जाएगा कि आप जो है किस जिस एरिया में आप रहते हैं वहाँ पे कितने आधार सेंटर हैं। तो आप जो है इस चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो जो है आपको मिलते रहे। शुक्रिया।